हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फरहाद राठी यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में आपको टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे, जो आपके रोजमर्रा के जिंदगी में, जो आप दुकान में जाके किसी से चेक करवाते हो, वो आपको करवाना नहीं पड़ेगा। एकदम इजी प्रोसेस में इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है कैसे चेक करें। आप कैसे चेक करेंगे कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है? जी हाँ, आप घर बैठे ही मोबाइल से आपका आधार कार्ड में कौन सा नंबर लिंक है आप पता कर सकते हो। बिल्कुल इजी, स्टेप बाय स्टेप अंत तक दिखाऊंगा, मैं चेक करके दिखाऊंगा एक कस्टमर का, ठीक है? चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के स्क्रीन में आपको आ जाना है। आने के बाद कोई भी एक ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है। मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद आपको सर्च मारना है यहाँ पर UIDAI डॉट नीचे शो कर रहा है तीसरा लाइन पे, उसमें आपको क्लिक मारना है। आपको यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है जहाँ पर, वहाँ पे UIDAI लिखा हुआ नीचे, यहाँ क्लिक मारना है। क्लिक मारने के बाद कुछ ऐसा आपका पेज खुल के आएगा। फिर आपको यहाँ इंग्लिश या हिंदी अपना सुटेबल लैंग्वेज के हिसाब से आपको ओपन कर लेना है। जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक आप क्या करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और वीडियो पसंद आएगा तो अंत में आप शेयर भी कर देना प्लीज़। आपको इंग्लिश में सेलेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको चेक आधार अपडेट स्टेटस में क्लिक मारना है। क्लिक मारने के बाद आपको ऊपर जो चार टू डॉट वाला आपको फूल जैसा नज़र आ रहा है उसमें क्लिक मारना है। फिर स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ आपको शो करेगा चेक आधार वैलिडिटी, उसमें क्लिक मारना है। क्लिक मारने के बाद आपको यहाँ पर जिसका भी आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेक करना चाहते हो, अपना चेक करना चाहते हो, तो आधार नंबर डालना है। यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको प्रोसीड में क्लिक मारना है। प्रोसीड में क्लिक मारने के बाद कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि जिसका भी आप आधार कार्ड से मोबाइल नंबर चेक किए हैं कि कौन सा लिंक है, उसका उम्र 30 से 40 साल के बीच में है और वो मेल है, वो बिहार का रहने वाला है या बंगाल का रहने वाला, या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट का जो भी स्टेट जो भी हो वो स्टेट का नाम लिखा हुआ रहेगा। फिर जो मोबाइल नंबर का आखिरी 3 डिजिट है आपके यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, इससे आप कंफर्म हो जाओगे कौन सा मोबाइल नंबर आपका लिंक है, ठीक है? यहाँ पे आखिरी 3 डिजिट लिखा हुआ है, जैसे इसका लिखा हुआ है 018, तो आपका भी कुछ लिखा हुआ रहेगा, वही आपका आधार कार्ड में वही नंबर आपका जुड़ा हुआ है। चलिए, अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद।